नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टी न्यूज। मैं आपके साथ पंकज कुमार। वहीं मधुबनी में जाली नोट कारोबार का भंडा फाड़ हुआ है। झांझरपुर के भैरव स्थान में एक धंधेबाज 13 लाख के जाली नोटों के साथ पुलिस के हाथ चढ़ गया। साथ में पुलिस ने जाली नोट छापने वाला प्रिंटर और जाली नोट छापने में उपयोग होने वाला कलर भी बरामद किया है। धाराएं धंधेबाज सीमावर्ती क्षेत्र लोकहिया का बताया जा रहा है। कहीं जाली नोट कारोबार का कनेक्शन इंटरनेशनल तो नहीं है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। आइए आपको लेकर चलते हैं मधुबनी, जहां पुलिस कप्तान डॉक्टर सत्य प्रकाश ने मामले को खुलासा किया है। पुलिस कप्तान डॉक्टर सत्य प्रकाश ने आम लोगों को सचेत करते हुए कहा कि लेन देन में सावधानी जरूर बरतें। मधुबनी ब्यूरो चीफ हरशंकर प्रसाद की रिपोर्ट। दिनांक 18 जनवरी को एक सूचना हम लोगों को गुप्त रूप से मिली कि नकली नोटों का एक बड़ा खेप जो है वो झंझारपुर एरिया से गुजरने वाला था। इसमें जो झंझारपुर के लोग एवं SHO झंझारपुर और रूपा कंबू जो भैरव स्थान थाना अध्यक्ष हैं और अरविंद कुमार, मनोज कुमार और सशस्त्र बल के और नेहा कुमारी जो पहले वहाँ काम कर चुकी, इन लोगों के नेतृत्व में एक टीम बनाया और टीम को जांच सत्यापन हेतु और पकड़ने के लिए गठित किया गया और सूचना सत्य पाया गया। सूचना के आधार पर एक व्यक्ति जिसका नाम प्रेम कुमार कामत है, जो लौकी का रहने वाला है, उसकी जब तलाशी ली गई तो लगभग 13 लाख 100 रुपये बरामद हुए, जिसमें 2000 रुपये का नोट है, जिसमें लगभग 5,64,000 रुपया नकली नोट है, 500 रुपये का नोट जिसमें 6,16,500 का नोट है, 200 रुपये का नोट है जिसमें 78,000 के लगभग 100 रुपये का नोट जो 41,600 है, 2 प्रिंटर भी बरामद हुआ, नोट को रंगने के लिए ब्लू, मजेंटा, पीला, काला रंग का कलर, एक ओप्पो का मोबाइल भी बरामद किया गया। इसके संबंध जब अभी तक पूछताछ से सामने आई है, जो तार कुछ नेपाल से जुड़े हैं या अन्य और भी जो तस्कर हैं जो सप्ताह अन्य जगह से ऑपरेट कर रहे हैं उस पर भी हो सकते हैं। इस संबंध में अभी हम लोग की आगे की कार्रवाई जारी है और जो भी इस टीम में शामिल है उनको पुरस्कृत किया। अभी तक इसके द्वारा कितना नोट छाप करके मार्केट में छोड़ा गया? अभी ये सब चीज़ इन लोगों की पूछताछ की जा रही है। जहाँ तक जिस तरह से जो मोडस ऑपरेंडी है इनके द्वारा कुछ तो जरूर छोड़ा गया होगा, इसलिए एक सब लोगों से अपील भी है कि सब नोट को जांच परख करके ही, खासकर बॉर्डर एरिया पड़ता है हमारा मधुबनी, तो इसको जांच परख करके ही किसी से लेन देन करें। मेरे पास